नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम BCOM पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अंतर्गत यूनिट संख्या 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपना चैप्टर है उपभोक्ता सहकारिता। अपना टॉपिक है आज का कि भारत में उपभोक्ता सहकारिता की धीमी प्रगति के कारण कौन से हैं और उसके कौन कौन से सुझाव हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि उपभोक्ता सहकारिता के अंतर्गत कौन कौन सी प्रगति हैं उनके बारे में, और आज हम इसी क्रम में अध्ययन करेंगे कि इसकी प्रगति के कारण और सुझाव और इसकी प्रबंध एवं संगठन व्यवस्था के बारे में, उसके ढांचे के बारे में भी हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी। अब इसके धीमी गति के पहले हम का प्रगति के कारण के बारे में हम देखेंगे कि किसकी वजह से भारत में उपभोक्ता सहकारी संगठन धीमी गति से कार्य कर रहा है। पहला है वित्तीय साधनों का अभाव। पहला तो है इसका धीमी गति है वित्तीय साधन है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अभाव है, क्योंकि वित्तीय साधनों के अभाव में उपभोक्ता सहकारी भंडारों की प्रमुख समस्या रही है, जिसमें भारत के अधिकांश सहकारी भंडार पर्याप्त मात्रा में अंश पूंजी एकत्रित नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वित्त के अभाव में सहकारी भंडारों में गोदामों का निर्माण और प्रबंधकीय कार्य, थोक भाव की वस्तुएं क्रय करने में काफ़ी परेशानियां आती हैं, और गोदामों का निर्माण और प्रबंधकीय कार्य थोक भाव की वस्तुएं क्रय करने की परेशानियों का सामना करना होता है, कि वर्तमान में केंद्रीय राज्य सरकारें इनको सहायता प्रदान कर रही हैं। अगला है निरीक्षण व अकेक्षण का अभाव। निरीक्षण एवं अकेक्षण का अभाव, निरीक्षण एवं अकेक्षण का अभाव भी है, क्योंकि लैक ऑफ इंस्पेक्शन ऑडिट उपभोक्ता भंडारों की असफलता का दूसरा कारण सामयिक निरीक्षण और अकेक्षण का होना है, क्योंकि भारत में उपभोक्ता भंडारों कारों की समस्याओं का कोई भी निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बात की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि अमुक वस्तुओं का तोल एवं मूल्य उचित है या नहीं, उपभोक्ता भंडारों का सही तरीके से वस्तुओं का हिसाब किताब किया जा रहा है नहीं, तो ये भी एक कारण है। एक है छोटा आकार, इसका जो साइज है इस व्यापार का, इसे छोटे आकार के रूप में है, स्मॉल है, स्मॉल जो भी है अन इकोनॉमिकल साइज, क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता भंडारों का आकार बहुत छोटा है, अनार्थिक है, कि छोटा आकार होने पर प्रबंधकीय व्यय अधिक करने होते हैं और कुल बिक्री की मात्रा कम होती है, इससे भंडारों को हानि होती है। इसी कारण इन भंडारों की आर्थिक स्थिति दुर्बलतापूर्ण होती है, धीरे धीरे इन भंडारों का अस्तित्व लुप्त होता जा रहा है, व्यवसाय की मात्रा कम होने से पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी इसके कारण है। तीसरा है कुशल प्रबंध का अभाव है। एक कारण ये भी है कुशल प्रबंध का अभाव है, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम के अभाव होने से भी ये कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है सीमित व्यापार, इनका व्यापार सीमित होने से भी धीमी गति के कारण में अहम है, क्योंकि सीमित व्यापार के रूप में एक सही है कि उपभोक्ता भंडारों का आकार संकुचित होने से सहकारी उपभोक्ताओं का विकास नहीं हो पा रहा है, तो सीमित आकार भी एक है। एक सदस्यों का असहयोग, सदस्यों का असहयोग, एक सदस्यों का असहयोग भी एक अहम है, क्योंकि उपभोक्ता भंडारों की सफलता में कार्य सदस्यों का सहयोग एकता पर निर्भर करती है, परंतु सदस्यों को इस प्रकार से सहयोग वफादारी का अभाव पाया जाता है। सामान्यतः ये देखने में आया है कितने सदस्य स्वार्थी होते हैं, कितने कैसे होते हैं, तो सदस्यता का अभाव भी एक इसकी अहम भूमिका रही है। एक प्रबंधकीय व्ययों की अधिकता, प्रबंधकीय व्ययों की अधिकता भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करती है, क्योंकि प्रबंधकीय व्यय में अधिक होने से भी एक सही तरीके से, क्योंकि सहकारी उपभोक्ता भंडार में वे निजी व्यापारियों फुटकर व्यापारियों के प्रबंधकीय व्यय अधिक होते हैं, तो उसकी वजह से व्यापारी ऐसे बहुत प्रकार के ऊपरियों से मुक्त नहीं हो पाते, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। तो अगला है कारण राज्य सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति। सरकारों की
राज्य सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति भी है, क्योंकि इस प्रकार से इग्नोर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट है। उपभोक्ता सहकारी आंदोलन की प्रगति को धीमी गति होने के कारण ये कारण भी है कि आंदोलन के प्रारंभ में राज्य सरकारों के विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई देती है, क्योंकि राज्य सरकार और निजी संस्थानों में प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि वस्तुओं की पूर्ति के संबंध में सहकारी भंडारों की उपेक्षा की गई है। अगला है कम पारिश्रमिक और अवैतनिक सेवाएं। कम पारिश्रमिक, लोगों को कम पारिश्रमिक मिलने से भी ये संस्थाएं सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कम पारिश्रमिक होने से सभी कार्यरत भंडारों का वेतन बहुत कम होता है, तो वो सही तरीके से लगन से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये भी है। अगला है लोकप्रिय नेतृत्व का अभाव, जिसे अपन कहते हैं लोकप्रिय नेतृत्व का, लोकप्रिय नेतृत्व का अभाव होने से भी ये संस्थाएं सही रूप से नहीं, क्योंकि भारत में उपभोक्ता सहकारी की धीमी गति का भी ये प्रमुख कारण है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगला है सहयोग व समन्वय का भाव, आपस में भाईचारे सहयोग व समन्वय के कारण ये एक समितियां सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, तो ये भी एक प्रमुख है। एक अनियमित पूर्ति, अनियमित पूर्ति का मतलब उपयुक्त मात्रा में आवश्यकता समय पर माल की नियमित सुपुर्दगी न होने पर अनिश्चितता व्यापार बना रहता है, विश्वस्तता का नाश होता है, खुले बाजार का सही क्रियान्वित नहीं हो पाता है। खाद्य पदार्थों की राशनिंग भी है। उपभोक्ता भंडारों की बिक्री कमी होने पर खाद्य पदार्थों सरकार पर नियमन नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। सरकार के कुछ वर्षों में खाद्य पदार्थों की संबंधित नियंत्रण भंडारों को ढीला कर दिया गया है और चीनी व आशंकित नियंत्रण लगा दिया गया और भंडारों की धीमी गति भी की गई। तो अन्य सहकारी समितियों का समन्वय का अभाव है, कि अन्य जो भी सहकारी समिति है उसमें संपर्क नहीं होने से भी एक अहम तरीके का क्रियान्वित हो पा रही है, ये भी एक धीमी गति कारण का एक प्रमुख कारण माना गया है। अगला है दोषपूर्ण लेखा प्रणाली, क्योंकि सहकारी उपभोक्ता भंडारों में लेखा प्रणाली दोषपूर्ण व सही नहीं होने के कारण विभिन्न निर्णय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उचित खाते व प्रभावी लेखापालों का अभाव, उपभोक्ता भंडारों की कार्य क्षमता का सही आकलन नहीं किया जा सकता है, ये भी कारण है। विभिन्न प्रकार के अन्य कारण हैं। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त इन भंडारों की धीमी गति का कारण ये है कि नकद बिक्री, ऋणों का न मिलना, अवैतनिक सेवाएं, व्यापारिक अनुभवों की कमी, मूल्य नीति दोषपूर्ण होना, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों का अभाव होना, व्यापारिक मंदी को शामिल किया गया है। अब हम इसी क्रम में चर्चा करेंगे उपभोक्ता सहकारिता की प्रगति के सुझाव। उपभोक्ता सहकारिता की प्रगति के सुझाव। उपभोक्ता सहकारिता की प्रगति के सुझाव, जिसमें प्रथम सुझाव है उपभोक्ता सहकारिता की समिति की हम बात करें सुझावों की, तो तीव्र प्रगति के रूप में आवश्यक है। इसके लिए संस्थापकों और व्यवसायिक अनुभव प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त प्रवर्तकों और सहकारी मूल्य के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसमें सहकारी भंडारों की प्रगति की ओर कुछ आवश्यक सुझाव दिए गए, जिसमें पहला है आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता प्रदान करना। आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता प्रदान करना, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता प्रदान करना, जिसमें वित्तीय साधनों का अभाव ही इन भंडारों की असफलता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इसलिए उपभोक्ता भंडारों का आवश्यक में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिसमें सहकारी भंडारों में अपने निजी कोषों में वृद्धि की जानी चाहिए और भारी ऋणों को कम किया जाना चाहिए। और सरकार जो है, सरकार को उपभोक्ता भंडारों की अंश पूंजी को इसमें बांट लेना चाहिए। रिजर्व बैंक अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा आवश्यक पूंजी लगानी चाहिए। व्यवसायिक नीतियों में सुधार करना चाहिए। दूसरा है व्यवसायिक नीतियों में सुधार किस प्रकार से हो। व्यवसायिक नीतियों में सुधार मुख्य रूप से तभी संभव हो सकता है जिसमें उपभोक्ता सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करे और उसमें मांग के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं, और इन भंडारों में उपस्थित थोक के आधार पर माल को क्रय करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है मूल्य निर्धारण संबंधी सुझाव।
मूल्य निर्धारण संबंधी सुझाव भी एक अहम है कि उपभोक्ता में मूल्य निर्धारण संबंधी विभिन्न प्रकार की सहकारी भंडारों की मूल्य नीति इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं की राहत मिल सके और उपभोक्ताओं स्वयं की पूंजी निरंतर मिलती रहे और इसका विकास और विस्तार होता रहे। मूल्य बाजार में अधिक नहीं होने चाहिए और बाजार में वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहे, जिसलिए पर्याप्त भंडारों को अपने मूल्य बाजार को कम रखने चाहिए। बाजार मूल्यों की सामयिक समीक्षा करते रहना चाहिए और आवश्यकता अनुसार भंडारों में मूल्य परिवर्तन करना चाहिए। तो इस प्रकार थोक बाजार की वस्तुओं का मार्जिनल भी 5-6 से 10% तक करना चाहिए। एक क्रय प्रणाली में सुधार। क्रय प्रणाली में सुधार के विभिन्न कंटेनर को सही तरीके से करना चाहिए, जिसमें आसानी से भंडारण की व्यवस्था ये सम्मिलित है। विक्रय वृद्धि हेतु सुझाव। विक्रय बढ़ावा देने के लिए विक्रय प्रमोशन विज्ञापन को क्रियान्वित किया गया है, जिसमें विक्रय को आसानी से बढ़ाया जाना चाहिए। तो विक्रय वृद्धि के लिए सुझाव भी होने चाहिए, कौन कौन से विक्रय के लिए सुझाव सराहनीय रहे हैं। तो इस प्रकार से सहायक तरीके से विभिन्न प्रकार के सुझावों को क्रियान्वित किया गया है। अगला गोदाम व्यवस्था। गोदामों की व्यवस्था, जिसे माल को आसानी से भंडारण में रख सके उनकी उचित व्यवस्था हो, उससे विभिन्न प्रकार की स्टोर कीपर्स और रखने जी एक प्रबंध व्यवस्थाओं को कुशल बनाना। प्रबंध व्यवस्था को कुशल बनाना, प्रबंध व्यवस्था को कुशल बनाने से भी है कि इसके भी एक महत्वपूर्ण है सुझाव है कि प्रबंध व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, उसमें आकर्षक वेतन प्रदान करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के उसको लाभ बेनिफिट बेनिफिट्स देने चाहिए। तो इसे भी एक अच्छी एक अपनी उपभोक्ता सहकारी प्रकृति के सुझावों में अहम रहती है। एक अन्य सहकारी संगठनों में सहयोग व समन्वय। सहयोग व समन्वय की भावना रहनी चाहिए, तो ये भी एक है। एक उत्पादकों से प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए, दो उत्पादक है प्रोड्यूसर, उनसे डायरेक्ट संपर्क रहने से भी ये है। एक डायरेक्ट संपर्क उत्पादकों से प्रत्यक्ष संपर्क, जो उत्पादक है उससे डायरेक्ट संपर्क होने चाहिए। एक सदस्यों को सुविधाएं, सदस्यों को विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, जिसे आसानी से वो अपने लाभ को क्रियान्वित कर सके। एक कर्मचारियों की सुविधाओं में वृद्धि, एक कर्मचारी है उनकी सुविधाओं में वृद्धि करें। कर्मचारियों की सुविधाओं में वृद्धि, कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्षमता बोनस, चिकित्सा आवास और अन्य प्रकार की सुविधा ग्रीन रहती हैं। तो यह है एक व्यापार का प्रसार। व्यापार का प्रसार भी एक इसके सुझावों में आती है कि किस प्रकार से व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, किस प्रकार से व्यापार का प्रसार करें। कि उपभोक्ता भंडारों में सभी प्रकार की वस्तुएं व्यापार करना चाहिए, जिसमें देश की अधिकांश समितियां ऐसी हैं जो नियंत्रित वस्तुओं का व्यापार करती हैं और नियंत्रण से हट जाती हैं। हट जाने से इन समितियों की स्थिति दयनीय हो जाती है। इन समितियों की अनियंत्रित वस्तुओं पर सभी प्रकार की वस्तुओं को व्यापार विक्रय मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगला है परिवर्तन संबंधी सुधार। अनेक प्रकार के परिवर्तन, नव परिवर्तन लाए, परिवर्तन संबंधी सुझाव भी एक अहम है। और अगला है विभागीय भंडारों के संबंध में सुझाव। के संबंध में विभागीय भंडारों के संबंध में भी सुझावों की भी अहम भूमिका रहती है कि किस प्रकार से और भी विभिन्न प्रकार के अन्य सुझाव हैं जो महिलाओं के लिए सदस्यता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि आसानी से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की। अगले वीडियो मिलेंगे आवासीय सहकारी समितियों को लेकर के। तो तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आज के ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको आसानी से आ सके। तो हमने आज ग्रामीण विकास सहकारिता के अंदर उपभोक्ता जो समितियां हैं उनके बारे में हमने संक्षेप में अध्ययन किया। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।